तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पे Realme का डिवाइस यूज करते हैं और जनरली आपको पता होगा कई सारे जो डिवाइस होते हैं यहाँ पे एमुलेट डिस्प्ले बेस्ड नहीं होते हैं और उसके रीजन से यहाँ पे कई सारे यूजर्स को यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है वो देखने को नहीं मिलता है। मगर आप Realme का अगर कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो भी आप अपने डिवाइस में एज एमुलेट डिस्प्ले वाला फीचर जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं इसमें बताने वाला हूँ कैसे आप इस ट्रिक को फॉलो करके जो है यहाँ पे अपने डिवाइस को एक एमुलेट डिस्प्ले वाला फीचर जो क्लॉक वाला होता है यहाँ पे ऑन स्क्रीन में उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा। और जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है, उनको दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं बात करने वाला हूं अगर आप Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आप भी अपने डिवाइस में एमुलेट वाला फीचर यूज करना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल देख सकते हैं नॉर्मल यहां पे क्लॉक हमको देखने को मिलती है। अभी आपको बताया मेरे डिवाइस में जो IPS डिस्प्ले है तो यहां पे मैं इसको एमुलेट में जो है कन्वर्ट करने वाला हूं, मतलब एमुलेट वाला फीचर जो डिस्प्ले का होता है ऑन स्क्रीन वाला वो यहां पे मैं एक्टिवेट करने वाला हूं। तो सिंपली इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको ये फीचर चाहिए तो आपको सिंपली जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक फीचर जो है देखने को मिल जाएगा जो कि एमुलेट का है। तो यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी इसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कि जो हमारी डिस्प्ले है ऑलवेज ऑन वाली, तो यहाँ पे आप नीचे की साइड में आएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा भी गया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लेना है और सिंपली इसको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। जैसे आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस जो है नजर आएगा। नीचे आपको स्टार्ट का एक ऑप्शन मिलता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वेट करना है एंड स्टार्ट के ऑप्शन पे जो है सिंपली टैप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये कट का ऑप्शन आता है, सिंपली इसको कट कर देना है। जैसे आप कट करेंगे तो नीचे की साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको एमुलेट क्लॉक्स का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एमुलेट क्लॉक्स पे जो है सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइलिस्ट जो है क्लॉक आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपको पता है कि अगर आपके पास कोई एमुलेट वाला डिवाइस होगा उसमें आप डिस्प्ले का फीचर देख सकते हैं। कई सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लग रहा है इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको करना क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग आप जो है डिजिटल करना चाहते हैं तो डिजिटल, ठीक है। एनालॉग करना चाहते हैं तो एनालॉग, ठीक है। फिलहाल हम इसको डिजिटल कर लेते हैं, देख सकते हैं डिजिटल करने में काफी अच्छा यहाँ पे इंटरफेस जो है नजर आ रहा है। और साथ ही साथ कलर चेंजिंग का ऑप्शन भी मिलता है, आप चाहे तो इसको कलर भी जो है चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे येलो कलर का कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद नीचे साइड में आप बैटरी वगैरह चाहे तो ले सकते हैं, हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन करने के लिए आपको सिंपली इस पे करके यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल कर देना है, ठीक है। सिंपली बैक चले आना है। जैसे यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में टैप करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपकी शो ऑफ होने वाली कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली जो है प्रीव्यू पे सिंपली टैप कर देना है। प्रीव्यू पे टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है नजर आने वाला है, उसके बाद आपको अप्लाई पे जो है क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे इनेबल वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इनेबल एमुलेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इस एमुलेट को यहाँ पे इनेबल कर लेना है। जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें परमिशन वगैरह जो है पूछेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इस परमिशन को यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड में ग्रांट परमिशन लिखा है, इसको सिंपली टैप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है, इसको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, इसके परमिशन वाला एप्लीकेशन में। तो आपको यहाँ से इसको अलाउ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अलाउ ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही आप इसको अलाउ कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एनेबल हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे अभी आप देख रहे थे कि जो हमारा डिस्प्ले है वो वर्क कर रहा था, ठीक है। देखिए मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। जैसे ही हम इसको लॉक करते हैं तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है आपका एमुलेट की तरह वर्क करने वाला है, ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ गया, ये जो है एमुलेट डिस्प्ले की तरह वर्क कर रहा है और काफी अच्छा स्टाइलिश जो है यहाँ पे डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है, ठीक है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उसको वैसा रख सकते हैं। तो काफी अच्छा यहाँ पे एप्लीकेशन है, लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।